हर क्वार्टर के लिए समझ कर देना, समझा? सो पढ़ने का नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा, दो पार्टनर है, एक पार्टनर है, ऑल पार्टनर है, कौन कौन इंस्टॉलमेंट हुआ, रीड इट। सो ऑल आर इंस्टॉलमेंट, मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18। अभी इधर सीन क्या है देखो, मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर हाउ मच, 18, और लोन है वो सिक्योर्ड बाय मशीन था, लोन को कितना देना था 30, लेकिन वो सिक्योरिटी बेच के आया कितना 18, तो क्या पूरा लोन चुका पाओगे? नहीं, पहले 18 चुका देने का, कितना 18। फिर जो 12 बचेगा ना वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, 12 बचेगा वो डेफिशिएंसी नहीं, 12 बचेगा वो अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड विल ऑलवेज अ स्टेप अहेड ऑफ अनसिक्योर्ड। सो अगर मशीन बेच के 35 आता तो पूरा 30 चुका दे, बट बेच के आया कितना 18, तो पूरा 30 नहीं चुका सकते, कितना चुकाने का 18,000, और बाकी का 12 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड, और वो 12 और ये 50, ये दोनों अनसिक्योर्ड, उनको रेशियो में पे ऑफ करने का, लेट इज 12:50, समझा, 6:25 के रेशियो में, पॉइंट में आएंगे आंसर्स, बट वैसे ही करना है। फिर जो नहीं चुका पाए इन दोनों को मिला के, वो पैसा जाएगा डेफिशिएंसी, ऐसे करने का। आई टेल यू हाउ टू डू नाउ, सबसे पहला मशीन बेच के 18, फर्नीचर फेच 14, स्टॉक रियलाइज 25, फर्नीचर 14, स्टॉक रियलाइज 35, टोटल इज 67, बाय बैंक का 2 रियलाइजेशन 67, यू हैव एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये ऑफ कर दो, 2 बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000, राइट, बैंक में बाय रियलाइजेशन 2000, देन क्लोज डाउन रियलाइजेशन 88 आ रहा है टोटल, माइनस 67 इज 21, व्हाट इज द रेशियो, इक्वल 777, इज दैट राइट? हेलो प्रीति प्रिया प्राची, इट इज 777 and 21, इधर तक का सब सेम है, इधर सिर्फ लायबिलिटीज का ही पेमेंट में ऑर्डर देखना है बस, बाय पार्टनर का 2 रियलाइजेशन 777। नाउ चेक करो क्या करोगे यहां से आप, प्रॉफिट लॉस करने के बाद पूछो नेक्स्ट ईयर, पैसा सेल ऑफ एसेट से तो आ गया, और कहां से आ सकता है, कोई ला रहा है क्या पार्टनर, चेक करो, प्रीति ब्रिंग्स हाउ मच, 3400, प्रीति ब्रिंग्स 3400, और प्राची प्रिया कुछ भी नहीं रहा, सो प्रीति या कैपिटल में बाय बैंक कितना 3400, प्राची प्रिया नथिंग, इधर बाय बैंक का 2 रियलाइजेशन 3400, पैसे आ गए, प्रीति कैप, हाँ 2 प्रीति कैप 3400 मिला, पैसे के सारे सोर्सेस कहते हैं दुकान बंद, अभी ये पैसों को यूज करके आपको लायबिलिटी चुकानी है, बराबर है, तो ध्यान दो कैसे चुकाओगे, सबसे पहले सिक्योर, बाद में अनसिक्योर, सिंपल सी चीज है, ऑर्डर फॉलो करना है, बट सिक्योर में विल यू बी एबल टू पे ऑफ 30 फुल, नहीं, क्योंकि इसका हक किस पे था, मशीनरी पे था, और मशीनरी रियलाइज हाउ मच 18,000, तो इसको पूरा 30 नहीं दे सकते, पहले कितना देने का 18, 18 का एंट्री करो, व्हाट इज 18,000 चुकाने का एंट्री, सभी लायबिलिटी का सेम एंट्री चुकाने का, लायबिलिटी टू बैंक, तो बैंक में बाय लोन, बाय लोन कितना 18, पहले 18 चुकाओ, बैंक में बाय लोन, लोन में टू बैंक कितना 18 चुका दो, मशीन बेच के 18 आया, 18 चुका दो, मशीन बेच के 30 आता दो, 35 आता दो, 40 आता दो, सब सब जितना भी पैसा आता 30 के ऊपर तो 30 चुका देते, बट
30 के नीचे आया, 28 आया तो कितना चुका दे 20, 30 के नीचे कुछ भी आया ना तो जितना पैसा आया उतना चुका दे। अभी लोन में 12,000 बचे और क्रेडिटर को पूरा 50 देना और दोनों क्या हो जाएंगे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड को नहीं चुका पाया वो डेफिशिएंसी में ही डालेगा, सिक्योर्ड को जो नहीं चुका पाया वो अनसिक्योर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है अनसिक्योर्ड। अभी इसको 12 देना है, इसको 50 देना है, दोनों अनसिक्योर्ड हो गए। समझ में आ रहा है कुछ? नॉर्मली जो नहीं चुका पाते सीधा कचरा पेटी में जाता है डेफिशिएंसी, बट सिक्योर्ड लायबिलिटी ऐसा नहीं। सिक्योर्ड लायबिलिटी जो नहीं चुका पाते वो जाता है अनसिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड में इधर 12 इधर 50 है, दोनों है तो कौन से रेशियो में चुकाओगे? 12:50, दैट इज 6:25। पैसा कितना है वो देखो, पैसा कितना है उसके हिसाब से डिवाइड है। 80,400 आया ये माइनस क्रेडिट कर 60,400। ध्यान से बोर्ड में देखो, 60,400 इज द अवेलेबल कैश। ऐसा मिला डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, इसका दो टुकड़ा, थोड़ा सा गया लोन को और थोड़ा सा गया क्रेडिटर को। कौन से रेशियो में? लायबिलिटी रेशियो क्या है? डोंट टेक 30:50, दैट्स रॉन्ग। 3:5 रॉन्ग है, क्यों? 30 में से 18 तो चुका दिया, बचा कितना? 12, वो अनसिक्योर्ड है। 12 और 50, सो इट्स बेसिकली 12:50 एट 6:25, डिवाइड दिस। So 60,400 upon 31 into 6 and upon 31 into 25, 11,691 and point में आएगा 48709। बहुत बड़ी 11,691 किसको चुकाना है? लोन। और 48709 फिर भी पूरा पे ऑफ कर पा रहे हो तो जो बचेगा ना वो डेफिशिएंसी। अभी उसके बाद तो पैसे ही नहीं है, जो पैसे थे उसको 12:50 में डिवाइड करके चुका दो। एंट्री क्या होगी लोन को चुकाने की? लोन टू बैंक, सो बाय लोन, वापस लिखना है बाय लोन कितना 11,691 और लोन में आएगा वापस टू बैंक। सर दो दो बार लिखने का? हाँ भाई दो दो बार लिखने का, चॉइस नहीं आपके पास। पहले सिक्योरिटी वाला भेज दिया फिर अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन भी, दो बार लिखना है। लोन में टू बैंक, बैंक में बाय लोन। क्रेडिटर्स में भी सेम, क्रेडिटर्स में टू बैंक, बैंक में बाय क्रेडिटर्स 48709। इफ यू चेक बैंक विल ऑटोमेटिकली टैली, क्रेडिटर्स में आएगा टू बैंक 48709। नाउ व्हाट एवर द डिफरेंस यू गेट इसको उठाकर डाल दो डेफिशिएंसी, this will go to deficiency, either two deficiency and either with two deficiency, kitna aa raha 309 and 1291 deficiency mein aayega buy loan, isko nahi chuka paye kitna 309 and iska buy creditors 1291। कैसे किया समझा आपको? बताओ मुझे सिक्योर्ड को कितना चुकाओगे आप पहले? तो सिक्योरिटी बेच के आया 18,000 आया, 18 चुका दिया, बचा क्या 12। वो 12 क्या है? अनसिक्योर्ड, इट्स नॉट डेफिशिएंसी, इट बिकम्स अनसिक्योर्ड। उसको रेशियो में पे ऑफ किया 12 और 50 से, देखा बचा हुआ कैश किसको डिवाइड किया 12-50 में? कैश, डेबिट माइनस कर जो कैश बचा था उसको डिवाइड पे ऑफ किया, फिर जो बच गया दैट्स डेफिशिएंसी। अंडरस्टूड? खत्म। अभी ये कैपिटल ला नहीं पाए इसके लिए डेफिशिएंसी है, तो ये भी डेफिसिट है, ये तो टैली हो रहा है, टैली हो रहा है। तो क्या ये इंस्टॉलमेंट नहीं है क्या? है भैया, बाकी दो का शेयर करता तो ये भी उठ जाता, तो सब डेफिशिएंसी है। बाय डेफिशिएंसी, हाँ इसका इधर आया डेबिट में, दिस इज 43,400।
तो टू डेफिशिएंसी, टू आए बाय आए कुछ ना आए सब सेम ही, इसी का पैसा वैसा 8400 आया और इसका कितना आ रहा है 10 आ रहा है। बाय डेफिशिएंसी का टू प्राची दिस इज 10 एंड बाय प्रीति 8400 टैलीज ऑन ओके। टेक आउट द ऐप ऑब्जेक्टिव्स निकालो ना ऐप ओपन कर लो फटाफट एंड्रॉइड वाले फोटो निकाल के आईफोन वालों के लिए डाल दो ग्रुप मेरे को भेजो फोटो में डाल देता हूँ फोटो निकाल के भेजो समन क्लिक द पिक्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड सेंड अरे लाइन में चल रहा हाँ एग्रेसिव और काट दिया इंडेक्स फंड में ट्रांसफर क्यों कुछ नहीं करा है पहला 1000 वगैरह क्यों चल रहा मत मैंने नौ मैच देखे राजीव सेंट ऑन द ग्रुप और तुम राजीव सो बैड इतना पंगा रहता नहीं गवर्नमेंट को इसमें भी पैसा आने तो दे पहले क्रेडिट हुआ हाँ रीडिंग जितना यूनिट से होता पैसा आ जाएगा उसके बाद ले वो कहाँ पे आएगा किसी में दिखेगा फंड धीरे धीरे आएगा। चलो इमेजेस भी शेयर किया मैंने ग्रुप पे एंड्रॉइड अपने आईफोन वाले देख लो। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट प्लीज बी क्वाइट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट डैश और बैंक अकाउंट साइलेंस deficiency of insolvent partner will be suffered by solvent partners in their profit sharing ratio practically capital ratio hota hai theory mein profit yaad ho garnier versus more case bataya tha capital ratio mein hota hai practical idhar psr suna if an asset is taken over by the partner from his capital then his capital account will be debited pata nahi hai If an unrecorded liability is paid upon dissolution of the firm, dash account is debited. Realization to bank. Dekha, partnership is completely dissolved when the partners of the firm become insolvent over the bond.
एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू. इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म फॉल्स बिलो टू द फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व. ऑब्वियस है, दो में से भी एक चला गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा ना, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व. रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट. क्या होता है, क्रेडिट होता है डेबिट होता है, रियलाइजेशन पे क्रेडिट होता है. ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस ऑन डैश ऑफ द फर्म डिसॉल्व. वन वर्ड, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पूरा लिखने का, रियलाइजेशन लॉस या लॉस ऑन रियलाइजेशन, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एन अकाउंट ओपन टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज रियलाइजेशन. डेबिट बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल डेफिशिएंसी याद है मैं बोलता था घड़ी घड़ी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट डेफिशिएंसी, डेबिट बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल डेफिशिएंसी. डोंट राइट जस्ट डेफिशिएंसी, इट इज कैपिटल डेफिशिएंसी याद रखना, आ सकता है टेस्ट में. देन कन्वर्जन, सॉरी क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या रियलाइजेशन प्रॉफिट, कन्वर्जन ऑफ एसेट इंटू कैश ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म रियलाइजेशन, लायबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी मे हैपन मे नॉट हैपन, नो डिस्काउंटेड बीआर डायरेक्टली पे ऑफ करते हो आप, डेटर ने नहीं दिया तो आपके जेब से जाता है. एसेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स. अकाउंट विच शोज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस. ट्रू ऑफ फॉल्स विद रीजन, पहले ट्रू ऑफ फॉल्स देख लो, द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फॉल्स इट कंटिन्यूज. ओके, खाली डेथ पे होता है वो भी, अगर अग्रीमेंट में क्लॉज है तो वो भी नहीं होता, अदरवाइज डेथ हो गया तो डिसॉल्व हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट. ऑन डिसॉल्यूशन कैश बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली, ट्रू, जो पैसा है सब पार्टनर लेके जाता है. ऑन डिसॉल्यूशन बैंक कोड इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रू, मैं बोलता था याद है घड़ी घड़ी, बैंक कोड को बैलेंस में मत लिखो, बैलेंस में मत लिखो, रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल के पे ऑफ करो, इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी. तो बैंक कोड इज ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पेड ऑफ. अ सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग अ डेबिट बैलेंस टू हिज कैपिटल अकाउंट डज नॉट शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल. कोई फर्क पड़ता है डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट बैलेंस हो, इट इज सिंपली सॉल्वेंट टू इनसॉल्वेंट. सॉल्वेंट के पास पैसा है, यू विल शेयर द डेफिशिएंसी, सिंपल. सब लोग डेफिशिएंसी शेयर करता है, सॉल्वेंट का डेबिट होगी क्रेडिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सॉल्वेंट शेयर करते हैं. एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल द एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल द एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश नहीं होता, कैपिटल डेबिट बैलेंस नहीं होता, करंट डेबिट बैलेंस नहीं होता, पीएनएल अकाउंट नहीं होता, ये सब नहीं होते ना, अलग अकाउंट में जाते हैं, तो सारे अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते. देन डेबिट बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल डेफिशिएंसी, ट्रू, समझा क्वेश्चन, समझा. डेबिट बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबका कैपिटल नहीं, डेबिट बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर जिसके पास घर पे पैसा नहीं है, is not able to get money, so it is deficient. Unable to bring the money from private estate. At the time of dissolution, loan from partner will be transferred to realization. False. Alag se. Partner's loan, alag account. Always. Banato na internal. Dissolution takes place when the relation among partners come to an end. True or false? All partners. Wahi hai na? Kya diya? Dissolution takes place when relation amongst partners come to an end. Partners means all partners. All partners. That is true. Then, insolvency loss at the time of dissolution is shared by the solvent partners in their profit sharing ratio. True. More the profit, more the loss. Realization loss is not transferred to insolvent partners capital account. Realization loss is not transferred to insolvent partners capital account. False. All the partners share profit or loss. सॉल्वेंट भी शेयर करता है, इंस्टॉलमेंट भी शेयर करता है कि नहीं करता है ना. नेक्स्ट वन,
प्रोफोस का रीजन घर पे पढ़ लेना, कैलकुलेट द फॉलोइंग, वो सॉल्व करना है आपको उधर ही बुक में, सॉल्व करो फटाफट। लिखो पहला वाला, विनोद विजय एंड विशाल, विनोद विजय एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3-1। विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड हिज कैपिटल डेफिशिएंसी 6000। डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल डेफिशिएंसी, सिंपल सिंपल है। 6000 को कौन से रेशियो में करोगे? 3:2, दैट इज व्हाट, 3600 एंड 2400। लिख दो उधर ही पेंसिल से 36 एंड 2400। सेकेंड वन नीचे दिख रहा है सोल्यूशन, 3600 2400। और अगर कैलकुलेट द फॉलोइंग आया तो वर्किंग दिखाना पड़ेगा, दो लाइन का वर्किंग दिखाओ फिर आंसर लिखो, सीधा आंसर पर दिखना, कॉपी केस हो जाएगा। क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक लोन 10, अवेलेबल बैंक बैलेंस इज 40। व्हाट इज द अमाउंट दैट द क्रेडिटर्स विल गेट इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इनसॉल्वेंसी? क्रेडिटर्स अभी तीनों है, इसमें से कुछ सिक्योर्ड दिया हुआ है? सिक्योर्ड दिया नहीं है, तीनों अनसिक्योर्ड है। व्हाट इज द लायबिलिटी रेशियो? 3:1, 40,000 को 3:1 में करो डिवाइड, 1/6 ऑफ 40,000 इज व्हाट, 6667 ना, अच्छा 3/6 सॉरी, हाँ 20,000, 3/6 तो 20,000 मिलेगा, देख लो बराबर है। क्यों मैंने 3/6 किया समझा? ऑल द थ्री लाइब्रेरी आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड तो 3:1 में चुकाओगे ना। हेलो, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज 10, क्रेडिट इज 6, कैलकुलेट एफिशिएंसी 10-6, 4। चिंदीदा, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स डेबिट इज 15, इंस्टॉलमेंट पार्टनर बॉट कैश ऑफ 6, कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंसी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 15-6, 9,000 डेफिशिएंसी, सिंपल। देन रियलाइजेशन प्रॉफिट्स आर 6,000, पार्टनरशिप 3:1, व्हाट इज द रियलाइजेशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल? 3,000, 2,000 एंड 1,000। आंसर इन वन सेंटेंस, बाद में घर पे देख लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पे आ जाओ, कंप्लीट द टेबल पे आ जाओ। डेबिट साइड टोटल ऑफ रियलाइजेशन 20, क्रेडिट पता नहीं है, लॉस 4 है, 60 नहीं 24, डेबिट साइड टोटल इज 20 और क्रेडिट साइड टोटल क्या होगा तो लॉस हो रहा है 16,000, हाँ 16,000, 20-16 बराबर है। क्रेडिटर्स आर 16, बिल्स पेबल 12, थर्ड पार्टी लायबिलिटी दोनों मिला दो ना 28। क्रेडिट साइड टोटल 21, क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट इज 16, प्रॉफिट कितना होगा? डेबिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल 51, क्रेडिट पता नहीं है, कैश बॉर्ड इन 17,000, तो कितना रहेगा? 34 रहेगा ना, 51-34 तो 17,000 लाएगा वो। कैपिटल डेफिशिएंसी पता